students, welcome back to the finest and easiest way to learn the concept of physics. This is lecture number 10 and today I am going to discuss the moment of inertia of disc. बच्चों मैंने lecture number 9 में आपको समझाया था moment of inertia rod का कैसे निकालना about an axis passing through its center. आप पहले उस lecture को देखना और फिर हम लोग इस पे concept करेंगे. Moment of inertia हमें यहाँ पे disc का निकालना है about an axis of rotation passing through its center and perpendicular to its plane. Is it clear? अब disc मतलब क्या? You know, pizza. Pizza is what? Nothing but a disc. Okay? तो हम यहाँ pizza तो ले नहीं सकते. मैं आपको disc समझाता हूँ. आप लोगों ने बच्चों CDs देखी होंगी. Just like a disc. Okay? मुझे इस disc के center में से axis pass करना है. इसके plane को perpendicular और इसके about moment of inertia मुझे calculate करना है about this axis. The axis passing through its center and perpendicular to its length. Is it clear बच्चों? देखते हैं. बच्चों पहले हम डायग्राम को समझ लेंगे. डायग्राम पे लाइट डालेंगे. बच्चों इस डिस्क का मेन रेडियस क्या है? आप बोलेंगे रेडियस ऑफ डिस्क इज इक्वल टू कैपिटल आर. आप देख सकते हैं मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं डिस्क से. दिस इज कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ डिस्क. इज इट क्लियर बच्चों? इसके सेंटर से मैं आर इतने स्मॉल आर इतने डिस्टेंस पे गया और यहां से मैंने एक शेप ड्रॉ किया जस्ट लाइक दिस और मैंने इसको आगे कुछ इस तरह से और ड्रॉ किया. आप देख सकते हो ये हो गई इसकी क्या थिकनेस. दिस इज अ थिकनेस और ये थिकनेस कितनी है बच्चों? dr. कितनी है? dr. मैंने यहां पे लिखा है. यहां से सेंटर से स्मॉल r कितने डिस्टेंस पे गया? डिस्टेंस पे जाकर सर्कल ड्रॉ किया है और यहां से ये लिया उसकी थिकनेस. ये जो आप डार्कनेस दिख रहे हैं देख सकते हो दिस इज द थिकनेस of this plate, that is the thickness, जाड़ी. तो ये dr इतने thickness में जो mass है, वो है dm. कितना है? dm. dm be the mass of this small element. Is it clear? जैसे मैंने rod की इसमें thickness लिया था dx और वो dx इतने thickness में element का mass था कितना? dm. उसी तरह बच्चों यहाँ पे ये जो plate है ये plate की क्या हुई? thickness हो गई. thickness मैंने dr से note किया और उस थिकनेस के में dr कितने थिकनेस में जो एलिमेंट का मास है वो कितना है बच्चों? dm. नाउ बच्चों ये सेंटर से कैपिटल r जो रेडियस है जो कि कंप्लीट डिस्क की रेडियस है कंप्लीट प्लेट की रेडियस है उसका अगर मुझे एरिया बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? पाई कैपिटल r स्क्वायर. लेकिन बच्चों अगर मैं यहां से सेंटर से स्मॉल r इतने डिस्टेंस पे जाऊं और बोलूं इसका एरिया पाई कैपिटल r स्क्वायर है तो ये गलत बात है. मैं क्या बोलूंगा? पाई स्मॉल r स्क्वायर. लेकिन ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर ये एरिया अंदर वाले पोर्शन के लिए हुआ. बिल्कुल अंदर वाले मुझे तो कंप्लीट चाहिए ये डार्कनेस भी कवर होने को ना. तो यू विल गेट कंफ्यूज बराबर. तो हमें ये चीज समझने के लिए बच्चों जो पहला वाला रॉड का डेरिवेशन था वो हमने कहां से स्टार्ट किया था? मास पर यूनिट लेंथ क्योंकि उसमें रॉड की लेंथ थी. आपके दिमाग में बिल्कुल लाइट लग रहा है. तो अभी हमें डेरिवेशन जब स्टार्ट करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारे पास में पूरा एरिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे? मास पर यूनिट एरिया. तो यू शुड फोकस ऑन द डेरिवेशन. I can start the derivation mass per unit area notation है sigma. तो बच्चों sigma क्या होता है? mass per unit area. आप steps को concentrate करना. ये बिल्कुल derivation जो previous वाला rod का derivation है बिल्कुल वैसा ही derivation है बच्चों. तो यहां पे देखो mass is equal to what? sigma into area. So therefore capital M is equal to sigma is what constant जो कितना है? m upon a. is it clear? और ये एरिया जो है ये डिस्क का एरिया लिखूंगा मैं कितना? पाई कैपिटल r स्क्वायर. is it clear बच्चों? that is what e. अब ये जो कैपिटल m है बच्चों इसे मैं लिखूंगा एलिमेंट का मास जो कि कितना है? dm. तो dm is equal to what? कैपिटल m पाई कैपिटल r स्क्वायर. और ये अगर dm है तो ये a कितना है तुम्हारा? that is what da. is it clear? पहले वाला आर्टिकल जो रॉड का है बिल्कुल कंपैरिजन आपको ऐसे करना है. dm is equal to what? m upon pi r square into what? da. अब ध्यान देना बच्चों स्टेप बाय स्टेप. dm is equal to what? capital m upon pi r square. अब da मतलब क्या? da का मतलब एरिया का बेसिक फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड. लेंथ इनटू ब्रेड ध्यान दीजिएगा. लेंथ इनटू ब्रेड. अब यहां पे लेंथ क्या रहेगी? ये r डिस्टेंस यहां से यहां तक का है. इसकी टोटल लेंथ जो होगी टोटल लेंथ हो जाएगी उसकी कितनी? 2 pi r. और ब्रेड मतलब क्या? उसकी थिकनेस. अब इसकी थिकनेस कितनी है? dr. तो हियर वी राइट dr. और अगर इसको आसान तरीके से समझना है तो मेरे पास में एक सिंपल स्टेप्स है. कैपिटल a इसका एरिया कितना होगा? ये स्मॉल r डिस्टेंस का पाई स्मॉल r स्क्वायर.
इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू व्हाट, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स आर, और ये डी आर चले गया इधर, तो डी ए इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर इंटू डी आर, ये 2 पाई आर इज व्हाट यूर लेंथ आप कंसिडर कर लो, और डी आर इज व्हाट ब्रेड, वेरी सिंपल कंसेप्ट समझने के लिए, मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे, ये मैंने आपको समझाया, इज इट क्लियर नाउ बच्चों। अब स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ध्यान देना, वेरी सिंपल, यहां से जो कटिंग होता है वो कट कर डालो, पाई कैंसिल, अब यहां पे मैं डायरेक्ट लिख लूंगा 2 पाई आर दैट इज व्हाट लेंथ इनटू ब्रेड्थ दिया, यहां से पाई पाई गेट कैंसिल, इज इट क्लियर, क्या बचा यहां बच गया आपको डीएम इज इक्वल टू 2 सामने ले लेंगे 2 टाइम्स कैपिटल एम डिवाइड बाय नीचे क्या है आर स्क्वायर ऊपर क्या है स्मॉल आर इंटू डी आर, आप देख सकते हो, इज इट क्लियर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला जो हमने इसके पहले भी लिया था पहले वाले में, आई इज इक्वल टू व्हाट एम स्मॉल आर स्क्वायर, यहां पे स्मॉल एम मतलब क्या है तुम्हारा एलिमेंट का मास जो भी कितना है डीएम, और ये डीएम एलिमेंट आप देख सकते हो बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करो डायग्राम के ऊपर, ये डीएम जो एलिमेंट है ये एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे सेंटर से बिल्कुल स्मॉल आर, तो ये एज इट रहेगा स्मॉल आर का स्क्वायर, अगर ये डीएम है तो कंप्लीट एरिया कैसे कंप्लीट इनर्शिया कैसे निकलेगा वो भी क्या निकलेगा आपका डी आई, तो डी आई इज इक्वल टू व्हाट डीएम इनटू आर स्क्वायर, ध्यान रखना ये पूरा डीएम जो मुझे यहां मिला ये डीएम मैं पूरा यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 2 टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल आर डी आर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इनटू तुम्हारा क्या है स्मॉल आर स्क्वायर, हम इसे मिक्सअप कर देंगे स्मॉल आर स्क्वायर इनटू आर, तो 2 टाइम्स कैपिटल एम आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इनटू व्हाट डी आर, दैट इज व्हाट योर डी आर, इज इट क्लियर बच्चों। यहां तक आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो को थोड़ा सा वापस बैकवर्ड लेके आप वापस स्टेप्स अच्छे से समझ सकते हैं, तो डी आई इज इक्वल टू व्हाट 2 टाइम्स कैपिटल एम आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी आर बच्चों। अब मुझे पूरा कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब सबकी सम करना है, तो आप लोग क्या करेंगे डेफिनेटली करेक्ट क्या करेंगे इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन करना है मैं इसे मिटा दूंगा ना बच्चों, इंटीग्रेशन करना है आपको तो आप बोलेंगे आई इज इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, फिर बात आ रही है लिमिट्स की कि सर आप लिमिट्स क्या लेंगे, लिमिट्स लोअर लिमिट क्या रहेगा और अपर लिमिट क्या रहेगा बच्चों ध्यान दो, लोअर लिमिट आपको समझना है लिमिट कैसे लेंगे, पहले मैं डी आई यहां पे पुट कर देता हूं, आई इज इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स कैपिटल एम आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इनटू डी आर, ये डी के राइट साइड में क्या है स्मॉल आर, तो फिर लोअर लिमिट कैसे कैसे डी के राइट साइड में स्मॉल आर, ये तुम्हारा स्मॉल आर सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, अभी वो सेंटर पे है सेंटर से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियली क्या है लोअर लिमिट 0, और ये सेंटर से जब स्टार्ट होकर आगे बढ़ेगा तो ये कहां तक जाएगा कंप्लीट, ये डिस्क की रेडियस के बराबर, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कैपिटल आर, सो अपर लिमिट क्या है आपका कैपिटल आर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल आर, आप वीडियो को वापस पीछे लेके वापस समझना मैंने क्या बोला है, यहां सेंटर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 0 पूरा लेंथ कवर कर रहा है दैट इज व्हाट कैपिटल आर जो कि रेडियस के बराबर है, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। अब मेरा कांस्टेंट निकालने का तरीका बड़ी सिंपल है, डी के साथ में क्या है आर, तो आर का जो भी रिलेटिव रहेगा वो उसके साथ में रहेगा बाकी चीजें बाहर निकलेंगी, तो ये आर क्यूब इसका रिलेटिव है तो इसको बाजू में रखो कांस्टेंट को लो बाजू में 2 टाइम्स कैपिटल आर 2 टाइम्स कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू आर आर क्यूब डी आर बच्चों, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको आता ही है सिंपल फॉर्मूला है आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है डीआर का आर टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय 4 आपको फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन डीएक्स एक्स के पावर है जो भी रहेगा फैक्टर एन में क्या करना प्लस वन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन यहां मैंने प्लस वन कर दिया 3 प्लस वन 4 वही 4 का नीचे अब ध्यान दीजिएगा बच्चों लिमिट्स खत्म नहीं है 0 टू आर 0 टू कैपिटल आर बच्चा मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे आगे 2 टाइम्स कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर अब मैं पुट करूंगा अपर लिमिट स्मॉल आर की जगह तो कैपिटल आर टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय 4 माइनस स्मॉल आर की जगह पुट करूंगा 0 0 का चौथा पावर 0 तो टर्म क्या रहेगी हमारी 0 आर टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 इज इट क्लियर स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे और इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने को हमने कर लिया लगभग अब हम लास्ट स्टेप के ऊपर है यहां पे देखो बच्चों आपको कैपिटल आर मिलेगा 2 टाइम्स कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर इसमें 0 चलेगा वही टर्म बचेगी इनटू आर टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय 4
2 से डिवाइड कर दिया, 2 2s are 4, r स्क्वायर, एक r स्क्वायर गेट कैंसिल, ऊपर क्या बचा, बचा बच्चों m कैपिटल r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो बच्चों ये हुआ सबसे सुंदर फॉर्मूला किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाला हमने, डिक्स का। याद कर लो क्या है, i इज इक्वल टू व्हाट, mr स्क्वायर बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिक्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन को परपेंडिकुलर और उसके सेंटर में से पास हुआ, उसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला बच्चों, जो कि क्या है, I इज इक्वल टू व्हाट, mr स्क्वायर बाय 2। वेरी सिंपल आर्टिकल, आप वीडियो को वापस से देखिएगा, दो तीन बार आप देखेंगे आपके बिल्कुल सारी स्टेप्स ध्यान में जाएंगे। बिल्कुल प्रीवियस जो रॉड का हमने आर्टिकल लिया था लेक्चर नंबर 9 में, वैसे ही आर्टिकल है, इज इट क्लियर। इसको बार बार देखेगा और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, जितने बार आप लिख के देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और आपको आर्टिकल समझ में आएगा, इज इट क्लियर। तो फॉर्मूला बना, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। थैंक यू बेटा।